हेलो बच्चों, आपका रेडियस क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड जो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स है उसका हम लोग वैल्यू जान रहे हैं। तो हमने 45 डिग्री का वैल्यू समझ लिया है, साथ साथ 30 और 60 डिग्री का भी समझ लिया है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जो 90 डिग्री का वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये जनरली बच्चों को समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, वो लोग डायरेक्ट इसको रट लेते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कैसे आखिर 90 जो साइन 90 ये सब का जो वैल्यूज होता है, साइन कॉस ये सब का वैल्यू जो 90 डिग्री का होता है वो ऐसे क्यों होता है। हेलो बच्चों, मेरा नाम है जीतारी और आप देख रहे हैं रेडियस क्लासेस, योर सक्सेस इज आवर गोल, लेट्स स्टार्ट। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 90 डिग्री टी रेशियोज ऑफ 90 डिग्री कैसे पता करते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा। कंसेप्ट क्या है, आप देख सकते हैं एक हमने लिया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है एबीसी। राइट एंगल ट्रायंगल क्या लिया है, एबीसी, जिसमें एंगल बी है आपका 90 डिग्री। अब देखो अप्रोच क्या रखना है, आपको करना क्या है, तो आपको ये जो एंगल है ए, एंगल ए यानी कि जो थीटा है बच्चे, इस थीटा को आपको क्या करना है, 90 के बराबर लेकर के जाना है, यानी कि यहां तक लेकर के आना है। यानी कि सबसे पहले अगर इसको हम लोग बढ़ाते हैं, इसका साइज बढ़ाते जाते हैं, एंगल ए को क्या करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो आप देख सकते हो यहां पर एंगल ए बढ़ा होगा, ये आपका एक्यूट एंगल है, इसको बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, जितना नजदीक लाएंगे बी के पास, यानी कि यहां 90 है ना, तो B के पास लाना है, तो आपको एंगल A का वैल्यूज क्या होते जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। अब देखिए A का जब एंगल का वैल्यू बढ़ते चला जा रहा है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये जो AB का वैल्यू है, AB इसका वैल्यूज क्या होते जा रहा है, घटते चला जा रहा है। यानी कि यहां पे क्या याद रखना है कि अगर थीटा का वैल्यू 90 की तरफ जा रहा है तो यहां पे साइड AB का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहां पे A अगर हमारे पास देखिए थीटा का वैल्यू क्या कर रहे हैं, थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, कहां तक ले जाएंगे, 90 तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो AB का वैल्यू क्या हो रहा है बच्चे, AB का वैल्यू ये देख सकते हो डिक्रीज हो रहा है, AB का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसको हम लोग इस प्रकार से कर देते हैं, डिक्रीज हो रहा है, AB का वैल्यू डिक्रीज होते चला जा रहा है। साथ साथ अगर इसको देखा जाए तो ध्यान से देखेंगे तो AC का वैल्यू भी डिक्रीज हो रहा है, AC जो है AC का वैल्यू आपका डिक्रीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये ऐसे ऐसे जाते जाते यहां पे आपका BC के बराबर हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला में देखिए AB का वैल्यू घटा, ठीक है, और एंगल थीटा का वैल्यू क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते चला जा रहा है। यहां पे देखो AB का वैल्यू घटा, AB का वैल्यू घटा, घटा घटा घटा, यहां पे जब क्या हो जाएगा, ए यहां पे जब आ जाएगा तो AB जीरो हो जाएगा, AB क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। और बात करेंगे तो यहां पे BC के बराबर AC हो जाएगा। तो हमने इसको नोट में लिख रखा है, इधर देखिए क्या है, हमने लिखा है कि जब एंगल C इज वेरी क्लोज टू जीरो डिग्री, एंगल C क्या हो जा रहा है, यहां पे देख सकते हो क्लोज टू जीरो डिग्री, यानी कि एंगल C का वैल्यू घटते जा रहा है ना, यहाँ पे जीरो डिग्री के करीब आ जाएगा, तो एंगल A आपका 90 डिग्री के पास आ जाएगा, एंगल A यहाँ पे 90 डिग्री के पास पहुंच जाएगा। लास्ट में देखो यहाँ पे 90 डिग्री के पास पहुंच गया है A, ठीक है, और ये वाला जो हो रहा है इधर कुछ नहीं है, तो ये हो गया जीरो के पास आ गया, यहाँ पे आ गया, तो क्या हो गया, जीरो के पास आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो जीरो डिग्री C हो गया, C कितना हो गया, जीरो डिग्री। तो आपका जो A हो रहा है वो आपका कितना हो जा रहा है, 90 डिग्री, ये हो गया 0 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। साथ साथ क्या हो रहा है, साथ साथ AC का वैल्यू बहुत क्लोज हो जा रहा है जाकर के 90 के पास BC के बराबर, यानी कि ये दो देखो AC और BC दोनों बराबर हो जा रहे हैं, लिख देते हैं AC और BC क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है एट 90 डिग्री, जब 90 डिग्री पर जा रहे हैं तब। अब देखो इससे क्या हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अब देखो टी रेशियो लिखने का कोशिश करते हैं हम लोग, टी रेशियो जब लिखने का कोशिश करेंगे तो आप देख सकते हो यहां पे लिखने जा रहे हैं हम साइन का वैल्यूज, पहले किसका वैल्यू लिखेंगे, साइन का वैल्यू, तो चलिए साइन का वैल्यू लिखते हैं बच्चे, साइन 90 डिग्री कितना होगा, साइन 90 डिग्री, हमको देखो 0 डिग्री और 90 डिग्री जब निकालना होता है तो उस दोनों में साइन और कॉस निकालते हैं, बाकी सबको हम लोग फॉर्मूला पे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री की बात करते हैं, तो साइन 90 यहां तक पहुंच गया है ना, तो इसमें हमारे पास P बाय एच होता है, साइन 90 का साइन थीटा का P बाय एच होता है, और यहाँ पे P कितना है, तो इसके लिए हमारे पास सामने वाला P यानी कि
बी और सी है और एच हमारा जो है एसी जो था एसी ऐसे करके कि यहाँ पे चला गया है तो एसी यहाँ पे आ गया है। अब ध्यान से देखो ये दोनों तो बराबर है तो यहाँ पे बीसी बाई बीसी कर देते हैं इसको बीसी बाई बीसी ठीक है तो ये दोनों कट जाएगा कितना वैल्यू आ जाएगा वन आएगा यानी कि यहां से आप देख सकते हो कि जो आपका साइन 90 का वैल्यू आ रहा है बच्चे वो आपका वन के बराबर आ जा रहा है। अब आइए कॉस 90 का वैल्यू देखते हैं कैसे बनेगा कॉस 90 का वैल्यू कैसे बनेगा तो इसका होता है बी बाई एच क्या होता है बी बाई एच। अब देखो ए बी तो घटते चला जा रहा था ना जी ए बी क्या होगा घट गया यहां घट गया यहां पर ए बी जीरो हो गया ना ए बी कितना हो गया जीरो हो गया तो यहां पे आप देख सकते हो ऊपर रखते हैं वैल्यूज को यहां पे कितना है बी बाय यानी कि ए बी बाय ए सी और यहां पे आप देख सकते हो ये जीरो रख देते हैं और ये कुछ भी रहे उससे फर्क तो पड़ने वाला है नहीं ये तो ये हो जाएगा कितना जीरो वैल्यू हो जाएगा यानी कि कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा और साइन 90 का वैल्यू वन हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब बाकी सब जो भी है हम लोग लिखने का कोशिश करते हैं देखिए क्या है अगर हम लोग सेकंड थर्ड ये सब लिखें तो अगर मान लिए कि थर्ड में हम लोग लिखने वाले हैं टैन थीटा का वैल्यू तो टैन थीटा का वैल्यू जो होगा टैन 90 लिखाएगा और पी बाई बी होता है तो हमारे पास कितना है पी हमारे पास बी सी है इस पर सॉरी देखो यहां पे आप क्या कर सकते हो पी बाई बी ना लेकर चल के इसको साइन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं टैन को साइन 90 बाई कॉस 90 लिख सकते हैं और ये साइन 90 का वैल्यू वन है इसका जीरो तो यहां पे टैन 90 का वैल्यू अनडिफाइंड होगा क्या होगा अनडिफाइंड मतलब कि इसको डिफाइन नहीं कर सकता है अनडिफाइंड या तो इनफाइनाइट अनडिफाइंड ठीक है क्यों क्योंकि 1 बाई जीरो डिफाइन नहीं हो सकता जीरो से किसी संख्या को डिवाइड नहीं कर सकते तो ये हो गया टैन का वैल्यू। बाकी सबका अगर देखा जाए तो रेसिप्रोकल होता है इसका यानी कि अगर इसका रेसिप्रोकल देखा जाए तो साइन के लिए होता है कौशिक कौशिक 90 डिग्री को पूछ दे कि कौशिक 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा भाई तो कौशिक 90 डिग्री का इसका वन ही रह जाएगा। उसके बाद आपका सेक जो है 90 डिग्री का बात पूछे को कोई तो इसका भी उल्टा रेसिप्रोकल जीरो ही हो जाएगा और अगर इसका बात पूछता है टैन के जगह पे कॉट 90 का वैल्यू तो आप देख सकते हो जीरो बाय वन करेंगे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है। तो इस प्रकार से आप वैल्यूज आप याद रख सकते हो वन सेक का जीरो इसका भी जीरो याद रख सकते हैं। तो आई होप आज आपको ये क्लियर हो गया होगा कि 90 डिग्री का एंगल कैसे निकाला जा सकता है इस ट्रायंगल्स के माध्यम से समझने के बाद। तो ऐसे ही हम लोग निकालेंगे 0 डिग्री का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए क्योंकि हम लोग मेहनत करने का कोशिश कर रहे हैं और आपको कुछ समझाने का कोशिश कर रहे हैं अच्छे तरीके से। अगर आपका ये शेयर का जो प्रोसेस है अगर वो सक्सेस कर जाता है तो हम लोग भी क्या है अच्छे और कंटेंट्स लाने का प्रयत्न करेंगे। तो चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर थैंक्स अ लॉट जय हिंद वंदे मातरम।